हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। सो न्यू डेरिवेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और अभी लास्ट अगर हम देखें, इसके प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड्स अगर हम देखते हैं, तो पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, और प्री बोर्ड में तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए क्योंकि प्री बोर्ड भी एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो जाते हैं, और बोर्ड तो होते ही हैं, तो इस वजह से ये जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसका डेरिवेशन, इससे जो फॉर्मूला आएगा वो कब अप्लाई करना है, प्लस इसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कि जो फॉर्मूला आएगा उसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे एक चीज एक्स्ट्रा और पूछी जाती है, विच इज 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? तो इसके डेरिवेशन को यूज करते हुए आपको 1 एम्पियर को भी डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेरिवेशन को। तो हमारा डेरिवेशन की हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट। अगर सपोज दो पैरेलल कंडक्टर्स है तो वो एक दूसरे के साथ अगर हम बात करें तो वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। सो लेट्स से इफ आई से दैट, लेट्स से दिस इज अ वायर, करंट कैरिंग वायर, एंड दिस इज ऑल्सो अ करंट कैरिंग वायर, दोनों के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इन दो को एक करंट कैरिंग वायर मानते हैं तो ऑब्वियसली बात है दोनों अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ मच फोर्स इज क्रिएटेड बाय वन कंडक्टर एंड हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय द अनदर कंडक्टर ड्यू टू द फर्स्ट वन। यानी पहले की वजह से दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हमें कहां देखने के लिए मिलता है, तो देखिए जो हमारे घर के बाहर हाई टेंशन वायर लगी रहती है जिसके थ्रू करंट आता है, तो आप देखेंगे बड़े बड़े पोल्स पे लगाए जाते हैं, और आपने वहां पर देखा होगा कि पोल्स जो है, अगर मैं किसी दो पोल्स की अगर मैं बात भी करता हूं यहां पर, तो लेट्स से इफ आई से द टू पोल्स, दीज आर द टू पोल्स, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से 3 या 4 वायर्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब अगर इन सभी वायर से अगर मैं कहता हूं कि करंट फ्लो करता है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों वायर एक दूसरे को फोर्स लगाकर हो सकता है कि अट्रैक्ट करें या रिपेल करें। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, और अगर अट्रैक्टिव होगा तो कितना अट्रैक्टिव होगा, अगर रिपल्सिव होगा तो कितना रिपल्सिव होगा, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं फटाफट से। चलिए तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें, तो लेट्स से C1 एंड D1 इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड I1 इज द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम C1 टू D1, C1 से D1 की तरफ ये फ्लो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर। इसी तरीके से एक और करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट्स से C2 D2, और हम ये कह सकते हैं कि C1 D1 और C2 D2 जो है, बिकॉज दे आर पैरेलल कंडक्टर्स, की हेडिंग हमारी पैरेलल की है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल r। ओके, तो स्मॉल r जो है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नाउ इफ आई से कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर C1 D1 कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और किस डायरेक्शन में बनाएगा, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स D1, C1 से D1 की तरफ जा रहा है, तो थंब को हम उसी डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, और कुछ इस तरीके से जब हम देखेंगे तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है, और आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैंने यहाँ पर शो किया है, तो लेट से अगर मैं यहां कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे एक्ट करेंगी, तो इट विल एक्ट टेंजेंटली लाइक दिस, एंड लेट से दिस इज बी वेक्टर।
सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी वन डी वन, तो इसलिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं डी वन. ओके, तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं पी पॉइंट पर ये देखना चाहता हूं कि सी टू डी टू के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो सी टू डी टू के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड सी वन डी वन का एक्ट कर रहा है वो बी वन कर रहा है. तो हमें निकालना क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, यानी इस सी वन डी वन की वजह से सी टू डी टू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो आप देख सकते हो क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में, और आपको पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, सो दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. ये हमने अपने लास्ट डेरिवेशन में फाइंड आउट किया था. तो आप देख सकते हैं कि सी टू डी टू एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस वक्त रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड हो जाता है. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम बेसिक से शुरू करते हैं सबसे पहले, और लाइन टू लाइन करेंगे. बहुत सिंपल है, अगर आप एक एक चीज को समझते जाएंगे तो बहुत सिंपली आप एक बार में समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है. तो सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड, नाउ इफ आई फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I ओवर R. यू नो वेरी वेल बिकॉज यहां पर करंट I1 फ्लो कर रहा है, सो वी विल राइट I1 हियर, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 हियर. इसका मतलब यह है कि C1 D1 जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. यानी कि ये जो मैंने रेड लाइन से यहां पर बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल शो किए हैं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी वन डी वन. ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 ओवर R. और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका सी टू डी टू एक्ट कर रहा है. नाउ अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर हम ये कहते हैं कि फोर्स, इफ आई राइट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर C2D2 due to C1D1, so this can be written as, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसका मतलब हम फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हैं, टू के ऊपर निकाल रहे हैं, सो वी विल राइट टू. तो लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन फर्स्ट. तो इफ आई विल राइट F2 हियर, देन F2 कैन बी रिटन एज I L B साइन थीटा इज द फॉर्मूला. तो I जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, सी टू डी टू, क्योंकि हम टू का निकाल रहे हैं तो सी टू डी टू की बात करेंगे, तो करंट टू के अंदर से I2 फ्लो कर रहा है. लेंथ दोनों की बराबर मान लेते हैं अभी, और मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज C1 D1 का, तो विच इज B1. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड B, तो लेंथ और B के बीच का एंगल देख लेते हैं कि कितना एंगल बन रहा है. तो आप देख सकते हो कि B1 जो है वो टेंजेंटली एक्ट कर रहा है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर ये मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इसको मैं सिंपली एक एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, तो इसके लिए मेरे को एक रिंग की जरूरत पड़ेगी. तो लेट्स से ये मेरे पास एक रिंग है और मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक कंडक्टर है, लेट्स से दिस इज माय कंडक्टर. ओके, तो अगर मैं ये कहता हूं कि इस कंडक्टर के टेंजेंटली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रहा है प्रैक्टिकली वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, दिस इज बी वन, यही सेम केस। तो आप देख सकते हो कि ये जो लेंथ है और इस बी वन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, इसका मतलब दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम थीटा लिख सकते हैं, दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो एफ टू इज इक्वल टू आई टू एल बी वन साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू वी ऑलरेडी नो दैट 1, सो एफ टू इज इक्वल टू आई टू एल बी वन। नाउ बी वन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इफ आई पुट द वैल्यू हियर देन एफ टू इज इक्वल टू वी कैन राइट म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई वन आई टू ओवर आर इंटू एल, एंड इफ आई राइट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन C2D2, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया F2 डिवाइड बाई L, इस L को हम नीचे ले जाएंगे, सो द फॉर्मूला विल बिकम म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 I2 ओवर R, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ये आपके पास यहां पर फाइनल रिजल्ट आ जाता है, सो दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन। तो अगर मैं यहां पर देखें कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो यहां पर जो थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, एंड मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हम क्या, इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम वन बाय वन करके इसको अलाइन करेंगे। तो अगर हम अलाइन करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि इफ आई से कि लेट्स से दिस इज योर C1D1, तो दिस इज C1 एंड दिस इज D1, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि टेंजेंटली एक्ट करता है, तो वी ऑलरेडी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंटली एक्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं, तो करंट आप देखेंगे तो टेंजेंटली यानी कि करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग टेंजेंटली, ओके। सो हियर यू विल बी एबल टू सी दैट द फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स C1 D1, सो आई कैन से द फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स C1 D1 एंड दिस इज F2। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई दो वायर आपके पास ऐसे हैं जो एक दूसरे के काफी क्लोज हैं और उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है I1 I2, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो अट्रैक्ट करेगा तो उस वक्त उसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, तो दिस इज द फोर्स विच विल एक्ट ऑन द कंडक्टर, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 I2 ओवर R इंटू L, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को। चलिए तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, और रिवर्स में हम यही सेम चीज करके देखते हैं, ठीक है। तो रिवर्स अगर करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि लेट्स से C2D2 अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्योंकि इसके अंदर से करंट I2 जा रहा है, तो C1D1 में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, अगर उसको भी थोड़ा सा हम देखें कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहीं पर ही इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेट्स सी कि क्या क्या डिफरेंस आएगा, कहां कहां डिफरेंस आएगा, और क्या हमारा फाइनल आंसर में भी कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा,
दैट वी हैव टू सी। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने चेंज कर लिया है फटाफट से। तो अब सी टू डी टू जो है रिवर्स करके देख रहे हैं हम, सी टू डी टू मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा सी टू डी टू, दैट इज बी टू। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करेंट कैरिंग कंडक्टर सी टू डी टू, इफ आई राइट सी टू डी टू हियर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मेरे पास बी टू और करेंट कितना फ्लो कर रहा है विच इज आई टू। तो यहां पर सिर्फ इतना चेंज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि सी वन डी वन क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो सी टू डी टू के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर सी वन डी वन, वी विल राइट सी वन डी वन हियर। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे सी वन डी वन ड्यू टू सी टू डी टू, वी विल राइट सी टू डी टू हियर सी टू डी टू, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन विल बिकम। तो अगर हम वन की बात करेंगे तो करंट वन में कितना फ्लो कर रहा है विच इज आई वन, तो वी विल रिप्लेस आई टू विद आई वन और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास टू का। ओके, इसी तरीके से यहां पर ये भी वन हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर भी हम बात करें तो यहां पर हमारे पास वन हो जाएगा और यहां पर हमारे पास अल्टीमेटली टू हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में भी इसी तरीके से ये F1 हो जाएगा सब जगह, तो यहां पर F1 आ गया और वैल्यू जब मैं B2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो दोबारा से मेरे पास वही सेम रिजल्ट आ जाता है एंड द फाइनल रिजल्ट विल रिमेन सेम विच इज F1 और ये हो जाएगा मेरे पास C1 D1। तो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि F1 इज इक्वल टू F2, हम ये भी कह सकते हैं कि F1 जो है वो बराबर है F2 के और ये बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके का शेप एक्वायर करने की टेंडेंसी रखी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर ड्रॉ किया था अगेन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ठीक है, तो थंब रूल अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि टेंजेंटली एक्ट करता है सो वी विल मेक इट टेंजेंटली, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच विल एक्ट हियर। तो अगर हम थंब रूल का यूज करें तो अगेन करेंट क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करेंट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे, लेट्स से दिस इज द कंडक्टर, so current is flowing in the upward direction. Now you will be able to see that the magnetic field is going in just reverse direction. ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे साइड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, सो इट विल एक्ट लाइक दिस। ओके, सो इट विल एक्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट दिस, करंट विल गो अपवर्ड डायरेक्शन एंड यू विल बी एबल टू सी दैट थंब इज रिप्रेजेंटिंग टुवर्ड्स सी टू डी टू, तो सी टू डी टू की तरफ एक्ट करेगा। सो आई कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड हियर विल एक्ट टुवर्ड्स सी टू डी टू विच इज एफ टू। Okay, so this is all about your derivation. यहां पर आपका derivation over हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay student, तो इसी में attached question एक और आता है which is known as define 1 ampere. So 1 ampere क्या होता है, it is that much current which when flowing through each of two parallel uniform long conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other with a force of 2 into 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है,
और अगर हम ये देखते हैं पर यूनिट लेंथ है तो पर यूनिट लेंथ इज एफ ओवर एल, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई 1 आई 2 ओवर आर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज किसी दो कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, यानी कि आई 1 और आई 2, यानी कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है और उन दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, अगर 1 मीटर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो हो जाएगा आपके पास, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर C1D1 एंड C2D2 के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो इतना एक्ट करेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो इसको हमने थोड़ा न्यूमेरिकली डिफाइन करा है और एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि I = Q/T, वो क्या लिख के आते हैं कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो दैट इज नोन एज 1 एम्पियर, बचपन में पढ़ा था, नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हमें ये वाली डेफिनेशन लिखनी है और इसी को ही इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सो इट इज दैट मच करंट विच वेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ टू पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग कंडक्टर्स प्लेस इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस है तो इसीलिए यहां पे म्यू नॉट लिखा गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इसलिए आर की वैल्यू 1 मीटर लिखी है, फ्रॉम ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर इतना फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा और क्या पूछा जाता है एग्जाम में स्टूडेंट, वो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि अगर दो वायर के अंदर से सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है तो किस टाइप का फोर्स एक्ट करता है, तो फोर्स जो है वो, अगर मैं ये कहता हूं कि लेट से दिस इज आई वन, लेट से दिस इज आई टू, तो यहां पर जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा यहां पर दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करते चलिएगा, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स विल एक्ट बिटवीन द टू कंडक्टर्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि अगर सपोज करंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब है कि लेट से दिस इज आई वन एंड लेट से दिस इज आई टू, तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स जो है वो ऑपोजिट एंड्स पर एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, जैसे कि ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है फोर्स, यहां पर क्या होगा डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और यहां पर जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी एंड दैट फोर्स विल बी योर रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। इससे ज्यादा आज तक इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा गया है, बाकी न्यूमेरिकल बचते हैं वो हम सारे एक साथ करेंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन, थैंक यू।